ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ अज्ञानतिमिरञ्जस्य ज्ञानाञ्जनश्लाके चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा ददाति स्वपदान्तिकम् வந்தேகம் ஸ்ரீகுரு ஸ்ரீயுதபலம் ஸ்ரீகுருன்னு சாகரஜாத்தம் சனனரகுன்விதம் ஜீவம் சாத்வை சாவதூத்தம் பரிஜனசைத்தம் கிருஷ்ணன்யதேவம் ஸ்ரீராதா கிருஷ்ண பாதான் சகணலலிதீ விஷான்விதம் கருணாசி தீனோ ஜகத்பே கோபேசோபிகா காத்தராதா காந்தநோஸ்தே

निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौरव भक्त वृंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण आप सबको हैदराबाद भक्त लोगों को मिलने में बहुत खुशी हो रहा है हम आज शुरू करेंगे रामानुजा का लाइफ से एक जुड़ित हुए एक स्टोरी एक इंसिडेंट तो ये ये लिए हम स्त्री संघ है माता जी लोगों का संघ है इसलिए इसमें स्पेसिफिकली माता जी लोगों को प्रभुपाद जी क्या बताते हैं उसके बारे में हम आज सुनेंगे शीला प्रभुपाद जी का आ, माताजी जी के के लिए लेडीज के लिए जो एडवाइस दिए हैं वो अलग है तो आप गूगल सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा व्हाट इज चैस्टिटी करके गूगल सर्च करेंगे तो प्रभुपाद एक अच्छा भाषण देते हैं वही मैं आज बताने वाली हूं उसके पहले लेडीज के लिए प्रभुपाद क्या बोलते हैं, लेडीज का क्या कर्तव्य है स्त्री का क्या कर्तव्य है एक बार एक न्यूज रिपोर्टर प्रभुपाद जी के पास आए थे वो एक औरत थे वो प्रभुपाद जी से बार बार तंग करना चाहते हैं आप आपको मालूम है कि विदेश में औरत लोग बहुत ही ज्यादा करते हैं तो वो लेडी प्रभुपाद को बहुत तंग करते हुए करते हुए वो पूछती थी प्रभुपाद से स्त्री लोगों का क्या है क्या ड्यूटी क्या है त्रिस्त्री स्त्री लोगों का क्या स्टैंडर्ड uh, है ऐसा पूछ रहे थे प्रवपाद बोले एक स्त्री एक पत्नी होती है फिर से बोला और क्या है स्त्री एक माँ होती है फिर से बोला फिर और क्या है और क्या होता है स्त्री का स्थान ऐसा वो पूछ रहे थे तो प्रौपाद ने बोला और इससे बढ़ के क्या होता है स्त्री का स्थान What is the status of women in society? कुछ नहीं है इससे बढ़कर ये बड़ा स्थान है जो माँ का स्थान दो, जो लेडीज को मिलता है वो बड़ा स्थान है तो स्त्री का एक मुख्य कर्तव्य है वो पतिव्रता पालन करना आप जैसे एक एक ब्रह्मचारी का क्या कर्तव्य है बोलेंगे तो वो स्त्री संघ के बिना रहना चाहिए और कृष्ण भक्ति में सेवा ज्यादा करना चाहिए ये ब्रह्मचारी के लिए वैसे अवरत के लिए क्या वेरी इंपॉर्टेंट जो बहुत ही महत्वपूर्ण कर्तव्य क्या होता है अवृत के लिए तो वो पतिव्रता पालन करना उसके साथ भक्ति करना ये तो मतलब ये उनका दिया हुआ है प्रभुपाद हमेशा कहते हैं तो इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे तो प्रभुपद खुद राम मनुजाचार्य का ये उनका जिंदगी में जो घटना घटी उसके बारे में लिख रहे हैं बोल रहे हैं आप प्रमुप का लेक्चर है अच्छा है ये तो ये एक, बार एक 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 बार ग्रंथ लिखे थे वो ग्रंथ सहस्र कीर्ति बोलते हैं वो ग्रंथ पढ़े थे ये एक बार दो बार तीन बार पढ़े थे तो फिर ये एक बड़ा ग्रंथ था तो उसके बाद अपने शिष्य लोगों के साथ वो स्टी साइलम जाना चाहते थे आंध्र का सब डिवोट इसको पता होगा स्टी साइलम एक सुंदर जगह है शिवजी का मंदिर है कृष्णा रिवर के कृष्णा नदी के किनारे स्टी साइलम तो महर उस जमाने में फ्लाइट नहीं था ट्रेन नहीं था पैदल जाना पड़ेगा तो एक दो दिन चलेगा मे भी चार पांच दिन भी चलेगा तो वो निकल पड़े तो वो स्टीर, स्टीरंगम से निकले तो रास्ते में देहली करके एक जगह पर रुके तो फिर दूसरा एक गांव तक वो चल पड़े तब दूसरा गांव तो अष्ट स अष्ट सर करके एक जहा है अष्ट सहसर करके एक जहा है तो उतना तक जाने के पहले दो शिष्य को उधर भेजा क्योंकि उस गांव में दो शिष्य रहते थे एक तो अमीर थे यग्नेश्वरा करके एक यग्नेश्वरा करके एक अमीर थे और दूसरा एक वरदाचार्य करके एक गरीब ब्राह्मण तो दो डिवो दो डिसाइपल्स रामानुजाचार्य के अष्ट आश्रय गांव में रहते हैं तो पहले से रामानुजाचार्य क्योंकि अपना शिष्य बहुत लोग हैं, उनके साथ जा रहे तो पहले से दो शिष्य को उधर भेजा अब पहले जाके विश्वेश्वर विघ्नेश्वर यज्नेश्वरा यज्ञेश्वरा को बोलिए हम लोग आ रहे हैं हमारा रहने का प्रसाद लेने का व्यवस्था करने के लिए बोलो करके दो जन को भेज रहे हैं दो शिष्य को ये दो शिष्य जाके यज्ञेश्वरा को बोलते हैं आम लोग आम गुरु जी आ रहे वाले आप इंतजार करो ये सुन के वो तो वो अमीर बहुत खुश हो गए आ आ गुरु गुरुदेव रहे तो उसका इंतजार करने में इतना दौड़ दौड़ के दौड़ दौड़ के सब काम कर रहे तब ये जो शिष्य लोग गुरु भाई लोग आए उनका ध्यान ही नहीं रखा इतना पैदल आए उनका ध्यान तो रखना पड़ेगा मगर वो भूल गए बाकी सब में वो लीन हो गए तब ये दो शिष्य तो बहुत उदास हो गए वापस आके गुरुजी से से बोले, से बोले, तो वो तो इंतजार कर रहे हैं हम तो भूखे ही वापस आ गए क्योंकि हमारा ध्यान नहीं रखा तो रामानुजाचार्य बोला ठीक है उसको छोड़ दो हम दूसरा वो गरीब आदमी है ना वरदाचार्य उनके पास जाएंगे तो सीधे चले गए रामानुजाचार्य वरदाचार्य के घर चले गए वरदाचार्य का पत्नी का नाम लक्ष्मी था तब वरदाचार्य बहुत गरीब थे और हर रोज वो भिक्षा लेके अपना जीवन गुजारते थे उनका पत्नी इतना अच्छी पतिव्रता थी उनका सहायता हर फाल करती थी और उनका सेवा करती थी वो भी रामानुजाचार्य का डिसाइड शिष्य थी तो महर घर पे तो नहीं है वरदाचार्य रामानुजाचार्य आ गए तो ये लक्ष्मी उनका प्रणाम किया और उनको बोला गुरुदेव आप जाके स्नान करके आइए मैं प्रसाद का इंतजार करूंगी महर घर में एक बूंद दाना भी नहीं है बोल तो दिया मगर कैसे करेगी वो सोच रही है क्या करूँ करके सब तो भगवान तो कुछ इंतजार करेगा करके वो बैठ के सोच रही है उसी गांव में एक व्यापारी बहुत अमीर रहता था वो हमेशा लक्ष्मी बहुत सुंदर औरत सुंदरता दे के उसको तो उसको, उसको स्पाइल करने के लिए बहुत इच्छा हो गया महर लक्ष्मी कभी उसका पीछे पैसा भी देने के लिए तैयार था तुम क्यों गरीबी रहती हो तुमको बहुत पैसा दूंगा ऐसा हमेशा तंग करता था मार लक्ष्मी उसका ध्यान नहीं दिया और उसका परवाह नहीं करती थी तब उसका याद आया लक्ष्मी को तो तुरंत उस व्यापार के पास व्यापारी के पास जाके मेरा गुरुदेव आने वाले हैं आप कृपा करके मुझे इस बार सहायता कीजिए आपका इच्छा जो भी है उसको मैं पूरा करूंगी करके ये बोलती है बोलती थी तब तो वो अमीर को तो बहुत इसके वो बहुत खुश हो गया बोला ठीक है जो भी चाहिए तो वो बड़ा दिया घर में जितना सफिशंट जो भी राइस दाल सब्जी सब कुछ भरा दिया नौकर लोगों को बोला ठीक है जाके सब कुछ भरा दो तो लक्ष्मी खुशी से गुरुदेव का और शिष्य गुरु भाई लोगों का अच्छी तरह एक बड़ा फीस्ट बनाती है और ऑफरिंग करके तब तक वरदाचार्य भी आ गए तो सब शिष्य लोग रामानुजाचार्य सब लोग अच्छी तरह प्रसाद पाए तब अभी रामानुजाचार्य बैठे हैं तब वरदाचार्य लक्ष्मी से पूछ रहे हैं यह सब कैसे संभव हुआ तब लक्ष्मी अपना चेहरा नीचे उतार के रोने जैसे हो गई और बोली मेरे से गलत हो गई और मैं ऐसा कमीर आदमी है ना उसके पास मैं जाके ऐसा वादा करके मैं ये सब किया तब वरदाचार्य बोला तुम तो अच्छा किया कोई बात नहीं ये बिल्कुल अच्छा किया तुमने ठीक है हम लोग शाम हो गया अभी हम लोग रामानुजाचार्य के पास जाएंगे जाके ए, उनका अनुमति लेंगे इस कार्य के लिए उनसे बात करेंगे फिर मैं तुमको उस आदमी के घर में छोड़ दूंगा करके खुद पति ने उसको बोल रहे तो ये दोनों रामानुजाचार्य के पास गए और उनका दंडवत प्रणाम किया और रामानुजाचार्य पूछ रहे हैं कैसे सब ठीक है तब ये लोग बता रहे हैं, हम लोग इतना गरीब है तो भिक्षा से हमारा जीवन चलता है महार आज लक्ष्मी बोल रही है आज आपके लिए प्रसाद बनाने के लिए मैंने एक काम किया तब रामानुजाचार्य कुछ नहीं बोला उन्होंने बोला ठीक है उनका जो बचत बचत प्रसाद है इसको ये जो महाप्रसाद है इसको जाके उसको देना बस इतना ही बोले उन्होंने तो लक्ष्मी जी और वारदाचार्य दोनों अः वा, वो व्यापारी अमीर व्यापारी के घर में जा रहे हैं जाके वारदाचार्य तो, तो बाहर ही बैठे हैं ये लक्ष्मी अंदर जा रही है और उसका कमरा अमीर वाला का कमरा में जा रही है तब उसने बहुत खुश हो गया हाँ वादा निभा दिया करके ये तुरंत लक्ष्मी पहले प्रसाद को उसको दिया हमारा गुरुदेव आए हुए है रामानुजाचार्य आए हुए है आप इसको खाइए आप इसको खाइए करके बोलती है तो ये व्यापारी उस प्रसाद महाप्रसादम जब महाप्रसादम वो भी रामानुजाचार्य का समय आप लोग सोचिए कितना फर्क आएगा रामानुजाचार्य का मर्सी उसमें है जो इसलिए तो मैं लास्ट क्लास में बोली प्रसाद में बहुत महत्व है इसलिए प्रभुपाद उसको फूड फॉर लाइफ बोलते है क्योंकि प्रसाद हमारा शरीर को भी पोषण देता है हमारा आत्मा को भी पोषण देता है ये फर्क इमिडिएटली दिखाई पड़ा ये जो प्रसाद ही उस व्यापारी के मन में बदली आ गया उसने बोला माथे मैंने क्या पाप करने के लिए आया है जैसे दमयंती को आप जानते हैं ना दमयंती का स्टोरी फिर एक दिन बताएंगे दमयंती के बारे में दामयंती जब अकेले एक जंगल में फंस गई थी तब एक शिकारी उसको उसका इच्छा पूरा करने के लिए उसको लेना चाहता था माहर हर कुछ नहीं कर पाए वो जल के मर गया तो ये भी ये व्यापारी बोलता है मैं आपको आप तो मेरा माँ है मां को जो पाना चाहता है माँ के माँ को अपना इच्छा पूरा करने के लिए चाहता है वो तो जल जाएगा आप माँ है मैं आपको पाना चाहता था इतना गलत काम करने के लिए गया आपने मुझे रक्षा कर दिया माथे आप मुझे माफ करो आपका सेवा मैं करूंगा महर आपको गलती से भी ऐसा नहीं सोचूंगा मैं महापापी पापी बन गया करके वो रोने लगा इतना परिवर्तन आया ये मां प्रसाद खाने के बाद तब तक उसका मन में काम क्रोध सब गंदे विचार था और जब रामानुजाचार्य का महाप्रसाद खाया उसका विचार उसका थिंकिंग में उसका मन में परिवर्तन आया तो वो पैर पड़ा और माफी मांगा फिर वो खुद आके रामानुजाचे आशीर्वाद लिया और वो भक्त भी बन गया फिर बाद में वो भक्त बन के इनका इन लोगों का भी सेवा किया ये जो वरदाचार्य और लक्ष्मी जी का भी सेवा किया तो इस स्टोरी को इस संभावना को प्रभुपाद लिखते हैं व्हाट इज चैस्टिटी ये पतिव्रता धर्म क्या होता है करके इसके इस स्टोरी को इसमें रखते हैं जो भक्ति के लिए भक्ति निभाने के लिए लक्ष्मी ने इतना बड़ा कार्य करने के लिए भी तैयार हो गई उसका विचार पवित्र है गंगा जैसा पवित्र है औरत लोग दिल को पवित्र रखना चाहिए पति के सिवाय और कुछ चाहना ही नहीं चाहिए पति का सेवा और भक्ति दोनों हमारा जान जैसा होना चाहिए पति परिवार इसका सेवा करना और साथ में भगवान का भक्ति करना तब मैंने हम लोग लास्ट वीक मैंने देवूति का स्टोरी बताया देहभूति का इतना बल था उतना बल साधारण लोग अवरत को भी मिलेगा ऐसा नहीं है कि हम लोग लक्ष्मी नहीं है रामानुजाचार्य का शिष्य नहीं है हम लोग साधारण लोग हम भले साधारण लोग बन सकते है हो सकते हैं पर जब हम भक्ति का पद्धति ले लेते हैं जो गुरु गुरु परंपरा में बोला हुआ है उसको हम जब पालन करेंगे परिवर्तन हमारा जिंदगी में भी आएगा जैसे पापी था वो जो अमीर व्यापारी एक पापी था उसका विचार गलत था फिर भी प्रसाद के उसमें परिवर्तन आया हमारा तो जिंदगी में भी परिवर्तन जरूर आएगा जब हम जो बोला हुआ है गुरु परंपरा में जब बोला हुआ है औरत के लिए स्पेसिफिकली जो बोला हुआ है उसको पालन करते समय हमको शक्ति आएगा इसलिए हम औरत लोग अपना कर्तव्य निभा के अपना अपना कर्तव्य तो है सबका वो कर्तव्य हम निभा के हम भक्ति करने से अमर लिए अम बहुत शक्ति मिलता है भले ये कलियुग भी हो सकता है महाराम शक्तिशाली बन सकते हैं हम आगे भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं तो पूरा भागवत में बहुत कुछ इंस्ट्रक्शन हमें दिया हुआ है इसमें लेडीज के लिए ये जो एक श्लोक है वो श्लोक सीखना बहुत ही जरूरी है नारद मुनि भागवतम में युधिष्ठ महाराज को किसको हम लोग पतिव्रता बोल सकते हैं करके एक श्लोक में बोलते हैं उसको हम आज देखेंगे देखे उसको उसके बारे में चर्चा करेंगे वो श्लोक मैं निकालूंगी है अभी आ, अब देख रहे हैं ना कोई कोई एक जन बताना आई लाइक ओके थैंक यू थैंक यू ये जो है सात सेवन सेवन इलेवन ट्वेंटी फाइव भागवत में बोला गया है स्त्री नाम छपति देवा नाम तत्शुश्रूषा अनु, अनुकूलता

towards husband to be equally well disposed to, to as relatives and friends and to follow the vows of the husband these are the four principles to be followed by women <स्थारीं> mm. कुछ भक्त लोग बात कर रहे हैं तो उनको म्यूट करने के लिए सोच रहे हैं तो आम स्त्री लोगों के लिए जो भी पतिव्रता माना जाता है उनके लिए चार रूल्स बोला गया है इस श्लोक में पहला रूल है पति का सेवा करना दूसरा रूल है पति का जो इच्छा है उसके उस उस इच्छा के अनुसार जाना है और तीसरा है पति का जो दोस्त है और बंधु लोग है बंधु सु बोलते हैं ना बंधु रिलेटिव और उनका फ्रेंड्स उनको अपना अपना रिलेटिव अपना दोस्त जैसा मानना चाहिए शादी होने के बाद पति का बंधु लोग पति का फ्रेंड्स लोग ही हमारा रिलेटिव होना चाहिए एंड टू फॉलो द वोज ऑफ द हस्बेंड मतलब जो भग जो पति व्रत लेता है जो भी पति करता है उसे उसी को पत्नी को भी करना चाहिए ये बहुत ही जरूरी है तो जब इधर प्रभुपाद परपट में लिखते हैं तात्पर्य में लिखते हैं इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीसफुल हाउस होल्डर लाइफ दैट वुमेन फॉलो द वो ऑफ हर हस्बैंड जब घर में शांति चाहिए तो पत्नी को पति के व्रत को पालन करना चाहिए पति जो धर्म पालन करता है उसको खुद भी पालन करना चाहिए जब पति पत्नी में में झगड़ा होता है, तब वो ग्रहस्त जीवन में बहुत बांधा आने का संभावना होगा उधर बहुत डिस्टर्बेंस होगा इसलिए चाणक्य पंडित क्या बोलते हैं दंपतो कलोहो नास्ती तत्र श्री स्वयं आगता है जब पति पत्नी में झगड़ा नहीं होता तब लक्ष्मी जी उस घर में स्वयं आके ऑटोमेटिकली स्वयं आ जाती है जब जिस घर में झगड़ा नहीं होता उस घर उस में लक्ष्मी जी स्वयं आके रहती है तो इसलिए इधर बोला जाता है कि पत्नी को पति के पीछे जाना चाहिए और पतिव्रता धर्म को अपनाना चाहिए तो इसलिए भागवतम का ये जो श्लोक है हमारे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि कुछ लोग भक्त बन जाते हैं महार ये जो पतिव्रता धर्म नहीं करते हैं कुछ लोग पतिव्रता बनते हैं महर भक्ति नहीं लेते जैसे हम दो, दो पैर हैं हमारे लिए दो पैर होगा तो ये अच्छा बैलेंस्ड वॉक होगा हमारे अम, में एक पैर नहीं है तो इम्बैलेंस्ड वॉक हो जाएगा है ना तो ऐसा ही माना जाता है कि हम भक्ति भक्ति में दोनों बराबर करना चाहिए तो ही हम एडवांसमेंट हमें मिलेगा तो हमारा जरूरी करते है दोनों हम से सेपरेट नहीं कर पाएंगे इन दोनों को हम अलग नहीं कर पाएंगे जो अच्छा भक्त है वो अच्छा पतिव्रता रहेगी जो अच्छा पतिव्रता है वो अच्छा भक्त भी बनेगी ये दोनों सेमस बराबर करना चाहिए एक को ले लेंगे दूसरा को नहीं लेंगे ऐसा तो होगा ही नहीं होगा ही नहीं फिर हम हम अच्छा माना नहीं जाएंगे तो इसलिए ये जो लक्ष्मी जी का आज स्टोरी बनाया बताया रामानुजाचार्य डिसाइपल हमको ऐसा रहना चाहिए हम कर्तव्य और भक्ति दोनों बराबर लेके हमारा जीवन चलना चाहिए ऐसा हिस्ट्री में हम बहुत भक्त लोगों का जिंदगी हम पढ़ाई किया उन लोगों का शक्ति भक्ति में और पतिव्रता धर्म में था ऐसा हम किधर भी नहीं देखा औरत लोग बहुत इंडिपेंडेंट रहते हैं हमारी इंडिपेंडेंट नहीं डिपेंडेंट रह के भी हम लोग बहुत आगे बढ़ सकते हैं भक्ति में यही हम हमको जानने के लिए मिलता है इसमें हम नम्र रहना चाहिए घर में हमेशा नम्र रहना चाहिए तब लोगों को ये आता है सवाल आता है कि घर में हम नम्र रहेंगे तो वो लोग बोलेंगे मांस मछली बनाओ भक्ति मत करो सिनेमा देखो ये करो वो करो कुछ माता जी लोगों को घर में ऐसा वातावरण होता है है ना जो भक्ति के लिए रुकावट आता है तब क्या करना चाहिए सवाल आता है सब तब क्या करना चाहिए हम लोग गलत काम को मना साफ साफ मना करना चाहिए महर उसके लिए झगड़ा नहीं करना चाहिए हम पेशेंटली शांति से अपना कर्तव्य करके अपना भक्ति निभाना चाहिए उधर झगड़ा करने का जरूरत नहीं महर महर उनको को जैसे अभी घर में सब लोग टीवी देखते हैं हमको क्या करना चाहिए हम टीवी नहीं देखेंगे वो लोग देखने दो मगर हम नहीं देखेंगे ठीक है घर में सब लोग जो अन्य वस्तु बहुत सारा है वो सब खाते हैं हमको क्या करना चाहिए हमको प्रसाद बना के सबको खिलाना चाहिए प्रसाद बना के सबको खिलाना चाहिए इधर झगड़ा नहीं करते प्यार से समझाना चाहिए झगड़ा करेंगे तो और एंटी हो जाता है इसलिए हम लोग शांति से जल्दी ये सब औरत के हाथ में ही है ना घर में पूरा घर में भक्ति को आगे बढ़ाने का कर्तव्य किसके हाथ में है औरत के हाथ में अभी हम सोएंगे आठ बजे तक फिर काम काम सब रुक जाएगा राइट अभी ठंड का मौसम है जल्दी उठेंगे जल्दी मंगल आरती करेंगे जल्दी प्रसाद बना के भगवान को भोग लगाएंगे इसमें घर अच्छा जा सकता है तो पति जो काम पे जाता है वो पीसफुली अच्छा है ठीक है मेरा पत्नी अच्छा सब करते हुए करता है करती है तो उनको अच्छा वो खुशी मिलता है उसमें वो अच्छा काम करेगा शाम को आएंगे एक छोटा सा आरती करेंगे फिर प्रसाद बना के लगा के खाने से फिर घर में इतना पीसफुल रहता है जब घर में औरत लोग डिबोटी बन जाते हैं तब सब लोग डिबोटी बनने का चांसेस बहुत है जब घर में औरत डिबोटी नहीं है तो बहुत प्रॉब्लम आएगा क्योंकि इसका इसमें क्यों प्रॉब्लम आएगा आप अच्छी तरह समझ लीजिए क्योंकि प्रसादम बनाने का इम्पोर्टेंट सर्विस कौन करते हैं पैसा कमाना तो पति करते हैं और प्रसादम बनाने का कर्तव्य कौन करते हैं पत्नी करते हैं है ना पत्नी करती है ये क्यों प्रसाद बनाना इतना जरूरी है, है? प्रसाद बार भी खा सकते हैं अभी बहुत लोग औरत लोग हैं मंगा लो फोन करो ना क्या है क्या बोलते हैं डोमिनो पिसा ये बनाओ वो, वो मंगाओ वो, ये वो मंगाओ वो, ये करो एक फोन करने से घर गर में गरम गरम आ जाता है वो खा लेंगे क्यों तकलीफ लेना है है ना ऐसे ही आजकल का जमाना चलता है महर ये जो प्रसाद बनाने का जो सेवा है इसको सेवा माना जाता है इस सेवा में बहुत इम्पोर्टेंट चीज छुपा हुआ है उसको मैं एक मेटेरिस्टिक उदाहरण देती हूँ ठीक है कैसे प्रसाद घर वालों का मन को बदलता है उसके बारे में आज सुनेंगे एक बार आप सबको मालूम है गांधी जी महात्मा गांधी जी सबको मालूम है ना एक बार उन्होंने जेल में 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 उन प्रिजन प्रिजन डाल दिया था आ, अंग्रेजी सरकार ने तो प्रिजन में उनको बुरा सपना आया क्या सपना था कि उन्होंने गांधी जी अपना माँ को मार डालते ऐसा बुरा सपना आया तो गांधी जी सोचे थे कि मैं मुझे क्यों ये सपना आया मैं इतना गंदा सपना माँ मार सकता हूं क्या मैं करके उनको बहुत बहुत दुख आया ऐसा कर सकती हूँ कर सकता हूँ क्या मैं करके बहुत दुखी में तो पूछताछ किया कौन कौन क्या क्या करते हैं जेल में तो उस दिन का जेल में क्या करते हैं बताए जो प्रिजनर्स है उनको ही सब काम में लगा देते हैं उनको ही उधर गार्डन मेंटेन करना सफाई का काम करना खाना बनाना ये काम भी उधर ही लगाते थे तो उनको पता चला कि उस दिन का खाना एक आदमी ने किया जिसने उसका मां मा को मार डाला जिस आदमी ने अपना मां को मार डाल के जेल में आया उसने खाना बनाया तब गांधी को पता चल गया कि अच्छा जैसे इसमें इसका मतलब क्या होता है जो खाना बनाते हैं उनका विचार उस खाने में लग जाता है उनका जो भी विचार है वो उसमें उतरता है तो तो उसको हम खाने में भगवान तो भी आप सोचिए भगवान भी हम अच्छा दिल से भोग नहीं लगाएंगे तो नहीं खाते इसलिए मंदिर में ऐसा नियम है कि जो चार नियम पालन करते हैं जो सोला माला करते हैं जो साफ सफाई रहते हैं उनको ही भगवान के लिए भोग बनाने का सेवा मिलता है बाकी लोगों को नहीं देते गुरुदेव का भी जो प्रसाद बनाने वाले जो भोग बनाने वाले अच्छा भक्त है तो ही उनको चांस मिलेगा नहीं तो नहीं मिलेगा तो इसलिए हमारा दिल को साफ रख के साफ रखने के लिए जल्दी उठना जल्दी स्नान करना सोला माला जप करके फिर हम किचन में जाएंगे भोगा बना के भगवान को ऑफर करेंगे तो उसमें सब ये ये स्पिरिचुअलाइज फूड बनेगा वो फूड नहीं महाप्रसाद प्रसाद बनेगा तो उसमें वो वो जो जो घर का पत्नी है जो है वो की लक्ष्मी ग्रह लक्ष्मी बोलते हैं ना ग्रह लक्ष्मी वो जो ग्रह लक्ष्मी का अच्छा विचार उसमें जाएगा प्यार जाएगा भक्ति जाएगा तो उसको जो भी खाते हैं वो सब का मन पे परिवर्तन आता है इसलिए इसका इंपॉर्टेंस इतना दिया हुआ है आजकल तो बहुत इजीली सब कुछ मिल जाता है रेडी टू ईट रेडी टू ईट रेडी टेक अवे ऐसा बोलते है ना सुपर मार्केट में जाओ सब्जी काटा हुआ मिलता है फ्रोजन मिलता है लाओ फटाफट -पत कुक कर लो नहीं नहीं हम भक्त लोग अपना प्यार से भक्ति से ये सब बनाते समय फर्क आता है भगवान स्वीकार करते हैं भगवान क्या बोलते हैं गीता बाग, में पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तिया प्रयचती तद हम भक्ति उपहत्र अश्नामी प्रयता है तुम पत्र दे फलम दो पुष्प दो मर किस कैसे देना है भक्ति के साथ वो रिच्वल नहीं है हम सुबह उठते हैं दान साफ करते हैं स्नान करते हैं है ऐसा कपड़ा पो डाल देते हैं ऐसा जाते आते हैं आते ये सब हर रोज का इसमें इस एक्टिविटी में, इस, इस में हम लोग कॉन्शियसली नहीं करते ऐसे निजी जी करते हैं याद रखते हैं हम कुछ भी नहीं याद रखते आप हर रोज दान साफ करते हैं महार याद रखते हैं क्या नहीं महर जब हम कुछ श्लोक बोल के भगवान से बात करते हैं भगवान को ऑफरिंग करते हैं उसमें तो कॉन्शियसली हम करते हैं है ना, है ना वो रिचुअल नहीं है रिचुअल नहीं है उसमें हम सोचते हैं इधर भगवान मेरे घर में ब्रजमान है विराजमान है भगवान मेरे घर में है ये घर नहीं है ये मंदिर है घर घर नहीं है मंदिर है भगवान का घर है आप बाकी लोगों के घर में जाओ साधारण लोग के घर में जाओगे तो मेन प्लेस में क्या रहता है कोई एक जन बात कर सकते अब जाएंगे अभी लिविंग रूम में क्या रहता है टीवी बड़ा वो भी का। उन लोगों का इम्पोर्टेंट क्या है एंटरटेनमेंट मारा आप मायापुर या किसी भी भक्त के घर में जाएंगे जो मेन प्लेस में भगवान का घर होगा आप सब भी मायापुर में सब भी भक्तों का घर में आप जाएंगे मेन प्लेस में भगवान का घर होगा भगवान का मंडप पूजा मंडप होता है और कोई किसी के घर में टीवी नहीं रहता तो उस घर में आप एंट्री देते ही आपको पता चल जाता है इस घर का इम्पोर्टेंट लोग कौन है कौन बहुत बहुत महत्व किसका बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है भगवान को भगवान को तो हम इसमें इस घर में हम एक सेविका है ऐसा हम सोच के हम काम करेंगे का हमारा जिंदगी बहुत शांतिमय होगा बहुत शांतिमय होगा आपके हाथ में जो भी प्रसाद खाते हैं वो सब भक्त बनेंगे भगवान भी खुशी रहता है अच्छा ठीक है अभी पूजा माता जी अच्छा भोग बना के भगवान को ऑफरिंग करते हैं मैं इनके घर में रहना चाहता हूँ, करके भगवान खुद बोलेगा भगवान एक एक पर्सन है भगवान हमसे बात करना चाहते हैं भगवान हमारे पास आना चाहते हैं मार उसका लायक हमको बनना पड़ेगा नहीं तो नहीं आएंगे नहीं तो आप हम नॉर्मली बोलते हैं ना जय जगदी सहरे स्वामी जय जगदी सहरे करके हम रिचुअल करते थे ना पहले ऐसा हम रिचुअल करेंगे तो वो आएंगे नहीं वो सुनेंगे भी नहीं ऐसा ही है ना हिंदू लोग हम क्या करते हैं सब हम आजकल पोंगल फेस्टिवल है साउथ इंडिया में तमिलनाडु में मकर संक्रांति चल रहा है हम ये सब अच्छा ठीक है कुछ एंटरटेन कुछ सिनेमा कुछ इधर जाना कुछ का नया कपड़ा खरीदना स्वीट्स बांटना ऐसा ऐसा ही, ए, सीरियस नहीं था है ना महारा भी हर रोज हमारे घर में त्योहार है हर रोज हम भगवान को ऑफरिंग करते हैं हम लोग हर रोज प्रार्थना करते हैं कुछ कुछ लोग बोलते हैं हर रोज करते हैं क्या क्यों ऐसा पूछते हैं बुढ़ा होने के बाद बोलते हैं महर मैं आप लोगों को एक सवाल पूछती हूँ हम भगवान को सुखा हुआ फूल दे सकते हैं भगवान को फूल कैसे देते हैं फ्रेश फ्लावर देते हैं। जब महर भक्ति के लिए क्या बोलते हैं जब हम बुड्ढा बनने के बाद हम जब एकदम सुख गए तब हम भक्ति करेंगे क्या जब हम फ्रेश रहते हैं तभी अपना अपने को भगवान का अर्पण करना चाहिए जब हम फ्रेश यंग एनर्जेटिक रहते हैं तभी अपने आप को भगवान का समर्पण करना चाहिए जब हम बुढ़ा बन जाएंगे हम सुन नहीं पाएंगे बोल नहीं पाएंगे देख नहीं पाएंगे तब भक्ति कर ही नहीं पाएंगे और दूसरी बात है कि पूरा जिंदगी हम किसका इम्पोर्टेंस दिया लाइफ साइज टीवी का इंपोर्टेंस दिया है तो फिर उसी में लगे रहते हैं अभी आजकल लेडीज लोग क्या करते हैं सीरियल देखते हैं, है ना? सीरियल देखते हैं। बहुत सारा सीरियल इसके और वो सीरियल देखने में क्या गलत है कि वो जो लोग जो पैसा लेके नाटक करते हैं, ना पैसा लेके नाटक करते हैं, वो लोग रोते हैं आश रहे हम लोग पैसा दे के रोते हैं और हमारा गुरुदेव वो बन रहे हैं हमारा गुरुदेव कौन बन रहे टीवी बच्चों का भी ऐसे ही हो रहा है गुरुदेव कौन है टीवी है टीवी टीवी में जो भी आ रहे है, उनके पीछे लोग जा रहे हैं उनके पीछे हमें जाना नहीं चाहिए वो हमारा गुरुदेव नहीं है वो लोग हमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि में मुक्ति नहीं देने वाले जब हमको कुछ रोग आएगा जब हमको मृत्यु आएगा उस टाइम में ये लोग सब कोई नहीं रहने वाला है मार लोग तो आम लोग तो बहुत पागल है इन चीजों के पीछे है ना इन चीजों के पीछे बहुत पागल है महाराम भक्ति माया आम लोग भक्त है ये सब हमको करना ही नहीं चाहिए इस दुनिया का ये सब चीजों से हम छोड़ना चाहिए क्योंकि हम देख रहे हैं रामानुजाचार्य का लाइफ में कितना अच्छे हैं लक्ष्मी जी उनके पास एक भी पैसा नहीं था अः फिर भी संतुष्ट रहते थे पावरफुल रहती थी रामानुजा का डिसाइपल है हमेशा खुश रहती थी शांति रहती थी पैसा नहीं है कुछ नहीं है फिर भी शांति था हमारे पास सब कुछ है फिर भी शांति नहीं है क्यों क्यों मन हमेशा चंचल रहता है जब भगवान का बत्म कमलों में अपना मन को हम रखेंगे सावई मना है श्री कृष्ण पादार विंदर। हमारा मन को भगवान का शरण में हम जब रखेंगे मन एकदम शांत हो जाएगा इसलिए हम घर परिवार में रह के हमेशा हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे इसमें क्या मुश्किल है कुछ मुश्किल है कुछ मुश्किल नहीं है ये हमें हमेशा हमारा नाम सभी दुखों में रक्षा करेगा सभी में रक्षा करेगा सभी में सहायता करेगा ये नाम में इतना बल है तो प्रभुपाद जी ने हमें सिंपल वे में बहुत बड़ा चीज पाने का मेथड दिखाया वेरी वेरी सिंपल चैंटिंग ऑफरिंग भक्ति जीवन तो बहुत सरल है इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन आए क्या नहीं बहुत सरल है जब अवृत लोग सिंपल रहेंगे मन को साफ रखेंगे तो जिंदगी आराम से जाएगा बहुत आराम से जाएगा पीसफुल जाएगा जब देखते हैं ना मॉडर्न लेडीज को इलेक्ट्रिक ट्रेन में इसमें लटका के जाप में जा रहे हैं मॉर्निंग कुछ इधर उधर बना के रख के फिर फ्रिज में रख देते हैं फॉरेन में भी इंडिया में भी ऐसा कल्चर आने लगा तो वो हफ्ते भर का खाना सनी सा, रवि में बना देते हैं मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फॉर ऐसा रख देते हैं आज ये मंडे के लिए ये ट्यूसडे के लिए ऐसा बना के फ्रिज में रख देते हैं फिर माइक्रोवेव ओवन में निकाल के उस दिन जिस दिन खाना है उस दिन उसको गर्म करके खा लेते हैं इतना उनका पुराना खाना खा खाके खा के खा, 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 पुराना खाना खाना तमोगुण में है तमोगुण में हम खाना खाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे तो सब्जी भी फ्रेश काटना चाहिए फ्रेश खरीद के फ्रश काट के फ्रश का के फिर फ्रिज में रख रख के फ्रिज में रख रख के खाते ना वो कभी कभी कर सकते हैं जब ज्यादा बन गया प्रसाद बच गया तब कर सकते हैं महाराज हमेशा वो नहीं करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए जब भगवान को फ्रेश का सब्जी काट के पवित्रता के साथ हम बना के भोग लगाना चाहिए तो इसमें घर का सब पूरा परिवार लोगों का भी तंदुरुस्त रहता है हर मॉडर्न लेडीज को ना खाने के लिए टाइम है ना कुछ काम करने के लिए टाइम है सिर्फ बाहर जाओ पैसा कमाओ थके आ जाओ फिर पूरा दिन थका है, फिर टीवी देखो फिर सो जाओ तो औरत लोग शांतिमय जी जीवन जीना चाहिए जब जरूर बहुत ही जरूरी है तब हम कैरियर बना सकते हैं नहीं तो हम शांति से आपको जरूरत ही नहीं है तो हम शांति से घर में घर का काम और भग, भगवान का भक्ति हम करेंगे तो पीसफुल रहेंगे हम तो मैं अभी आज का लेसन में हम लक्ष्मी जी के बारे में सुना रामानुजाचार्य का डिसाइपल फिर हम भगवान के लिए प्रसाद बनाने का कर्तव्य कैसे निभाना है वो बताया फिर औरत का चार कर्तव्य है जो पतिव्रता बोले जाते हैं उनका चार कर्तव्य मैंने बताया तो मैं अभी बंद करती हूँ भक्त लोगों को कुछ कुछ डाउट्स कुछ कमेंट्स है तो बता सकते हैं हरे कृष्ण हरे कृष्ण माता जी धनवर्ष प्रणाम माता जी स्टोरी में एक जगह में मिस हो गई थी जैसे यज्ञेश्वर के पास पहुंचता है ना हा, हाँ 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 माता जी वहां पर मतलब मुझे स, थोड़ा सा कंटिन्यूशन मिस हो गई थी मैं हाँ यज्ञेश्वर एक, एक अमीर डिसाइपल था रामानुजाचार्य का आ, वो है ना वो अच्छे डिवोटी है जब गुरुदेव आने वाले हैं करके उन्होंने उसमें लीन हो गए उनका इंतजार करने में फिर वापस जाते समय उनके पास जा रहे हैं वो बहुत माफी मांग रहे हैं बाद में आके रामानुजाचार्य के, वापस जाते समय उनके उनके पास भी रामानुजाचार्य जाते हैं है। इसलिए उनका शिष्य लोग जो दो तो है आए थे ये इंफॉर्मेशन देने के लिए आए थे ना उनका ध्यान नहीं दिया उन्होंने इसलिए ऑन द वे में रामानुजाचार्य उनके घर नहीं गए वरदाचार्य के घर गए जब रिटर्न आते हैं तब यग्नेश्वरा का घर में भी जाते हैं फिर उनका उनका भी उनके घर में भी रुकते हैं थैंक्स oh, <laughs> ना खाने का क्या इफेक्ट होता है प्रसाद ना खाने का क्या इफेक्ट होता है भक्ति में आगे बढ़ना मुश्किल है वेरी डिफिकल्ट है भक्ति हमको दो कर्तव्य भक्त भक्त का दो कर्तव्य वेरी इंपॉर्टेंट है एक चैंटिंग एक प्रसाद खाना सिंपल यही है हमारा किचन रिलीजन है आप इस कान में जाएंगे देखेंगे तो सभी में प्रसाद के बिना कुछ नहीं मिले कुछ प्रोग्राम खत्म नहीं होगा प्रसाद के बिना प्रोग्राम ही नहीं है प्रसाद तो बहुत जरूरी होता है इसका कारण तो मैंने आपको बताया क्योंकि चेंज इस द कॉन्शियसनेस जैसे एक व्यापारिया व्यापारी को गलत विचार से बचाया ना प्रसाद ने बचाया तो प्रसाद इज वेरी इम्पोर्टेंट हम एटलीस्ट आप लोगों का सुविधा नहीं है प्रसाद बनाना या कुछ तो तकलीफ है तो मंदिर का प्रसाद मिला के या एक टाइम प्रसाद बना के उसको अब नॉर्मल में मिला के खाना चाहिए प्रसाद बहुत बहुत जरूरी है वो लेडीज के हाथ में ही है इसमें से क्या है आजकल नाइनटी परसेंट कितना परसेंट मुझे नहीं मालूम लेडीज का ही हुक्म चलता है ना ये मानेंगे ना आप सब लोग लेडीज का ही है तो आप प्रसाद बना के खिलाओ इसमें क्या प्रॉब्लम है आपको ठीक है घर का काम आप कर नहीं पाएंगे तो कुछ आप असिस्टेंट रख लीजिए महर प्रसाद जब आप खुद बनाएंगे चैंटिंग करके खुद बना के भगवान को भोग लगा के आप खाएंगे तो उसमें बहुत असर पड़ता है इसलिए इस्कॉन मंदिर में प्रसाद के बिना प्रोग्राम्स ही नहीं है आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है अनियन गार्लिक खाने से क्या होता है ठीक है अनियन गार्लिक खाने से अनियन गार्लिक नॉन वेज नहीं है वेजिटेरियन ही है मगर क्या प्रॉब्लम है अनियन गार्लिक माइंड पे असर करता है माइंड पर असर करता है वो थमो गुंड का फूड है उसमें हेल्थ बेनिफिट्स तो है अनियन गार्लिक में कुछ हेल्थ बेनिफिट्स है महर इस्कान में उसके इक्वल कुछ कुछ चीज है उसमें हम कॉम्बनसेट कर सकते हैं तो ये आनियन गार्लिक भक्ति में आगे बढ़ने के लिए बहुत बड़ा रुकावट बनेगा तो माइंड को नीचे नीचे लेकर जाएगा ऊपर नहीं लेकर जाएगा अच्छा विचार में नहीं लेकर जाएगा आप देखेंगे तो इवन इन मुस्लिम रिलीजन तो आनियन घर लिखा के वो लोग नमाज पढ़ने के लिए नहीं देते हैं अच्छी तरह हाथ पैर मुंह सब धो के ही जाना पड़ेगा उसका स्मेल आएगा तो भी वो लोग वो नहीं पढ़ते ऐसा सुना था मैंने पता नहीं मुझे कितना है तो उसका स्मेल और उसका इफेक्ट शरीर में तमोगुण को दे देता है जब तमोगुण में रहते हैं तो जब नहीं बराबर नहीं कर पाएंगे ये भक्ति में आगे बढ़ने के लिए बहुत बड़ा रुकावट है अनियन गार्लिक इसमें एक स्टोरी भी बताया गया था इट इज इक्वल टू मीट पाप नहीं मिलेगा पाप नहीं मिलेगा अनियन गार्लिक खाने से पाप जैसे मांस मछली खाने से पाप होता है इसमें पाप नहीं है महर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे ठीक है पाप की बराबरी है मानो क्योंकि हम भगवान को तो अन्य गार्लिक नहीं रख पाएंगे तो प्रसाद नहीं बनेगा हम प्रसाद खाएंगे नहीं खाएंगे तो क्या होता है वो पाप है घर घर सब का था हे माता जी मेरे को भी खाना पड़ता है ठीक है तब ऐसा घर में सिचुएशन है तो आप थोड़ा नम्रता से पूछिए मैं अलग बना सकता हूँ मेरे लिए अलग कुछ बना के बोग लगा के खा सकता करके आप पूछ सकते हैं तो उसका रुकावट है तो थोड़ा देर आप जब भी करते रहना अभी घर में ऐसा परिस्थिति हो सकता है सिर्फ आप ही डिवोटी है बाकी सब डिवोटी नहीं है तो आप थोड़ा दिन के लिए काम चलाओ जब सीरियसली जब करो भगवान उसका व्यवस्था जरूर करेंगे ठीक है मगर ऑनियन गार्लिक का जो नेगेटिविटी मैं पहले बता देती हूँ ये मीट के बराबर है एक बार एक यज्ञ में आ, ये दूसरा युग में हुआ इस युग में एनिमल सैक्रिफाइस माना है और दूसरा युग में आप का यज्ञ में गाय माता को बलि चढ़ाके तुरंत वो गाय माता का दूसरा शरीर मिल जाता है और वो स्वर्ग लोक ऐसा चला जाता है उसको अच्छा जीवन मिल जाएगा तुरंत इतना अच्छा मंत्र बोलने वाला ब्राह्मण थे तो बलि चढ़ाएंगे तुरंत उनको अच्छा शरीर मिलेगा तो एक बार ऐसा गाय को बलि चढ़ाते हैं तब क्या होता है उधर उधर उस यज्ञशाला में एक एक औरत बैठी थी उनको उसका मांस खाने का इच्छा हो गया तो उन्होंने उस उस मास से थोड़ा सा निकाल के उस बॉडी से थोड़ा सा निकाल के चुपके रखी थी तब क्या हुआ जो मंत्र बोलते समय वो, उसका पुनर्जन्म नहीं हुआ तब सब लोग देखे क्या हो रहा है करके तब इसको सब इसके पीछे इसको देखने लगे तब इन्होंने क्या किया वो छुपा के रखा उसको फेंका फेंक दिया अः जो हायर प्लान से तो फेंका नीचे धरती पे गिरा वो सब ऑनियन और गार्लिक बना ऐसा बोलते हैं तो ये पुराना वैदिक स्टोरी है, तो फिर ऑनियन एंड गार्लिक तो मीट के बराबर बोला भी जाते हैं, जो तो टेक्निकली वो मीट नहीं है बट मीट का असर करता है इसलिए एज मच एज पॉसिबल जो जिसका परिवार में बहुत ही रिस्ट्रिक्शन है तो फिर उधर झगड़ा मत करिए ज्यादा आप चैंटिंग से भगवान से प्रार्थना करते रहना भगवान से प्रार्थना करते रहना मुझे प्रसाद खाने का आप कृपा कीजिए करके। भगवान आपका परिस्थिति बदलेगा आपका परिवार वाले मानेंगे जब आप बोलेंगे तो इस भक्ति में आगे बढ़ने के लिए रुकावट बनेगा करके आप बोल सक बोले आप बोलेंगे तो वो सुनेंगे नहीं तो नहीं सुनेंगे आप पर भक्ति हमारे लिए शक्ति देता है कोई हमारा बात सुनना चाहिए तो उसके लिए हमारे लिए शक्ति चाहिए भक्ति का शक्ति चाहिए जब आप भगवान से संपर्क में रहेंगे भगवान का नाम लेंगे भगवान परिस्थिति को बदलेगा जैसे अभी हम लक्ष्मी का स्टोरी में देखा ना वो आदमी इसके इसको बुरा नजर में देखा और प्रसाद के वो बदल गया ऐसा आप परिवर्तन आप देख सकते हैं इसलिए थोड़ा शांति से काम कीजिए ठीक है और कुछ प्रश्न किसी को कुछ प्रश्न है How शुड वर्किंग लेडी कैरी themselves? शुड what शुड

जब मेरा कैरियर को डेवलप करने का इच्छा ही छोड़ दिया था आप अपना ये आप जॉब में जाएंगे तो ही आपका खाना बनेगा तो आप जाइए नहीं तो आप आपका परिवार में सपोर्ट है आपका पैसा की जरूरत आपका परिवार में नहीं है तो आप छोड़ दीजिए नहीं ये ये बड़ा डिसीजन है मुझे पूछेंगे तो यही ठीक है क्योंकि औरत बाहर जाके बहुत तकलीफ है फेस करना पड़ता है जल्दी दौड़ना गाड़ी में जाना पता नहीं टू व्हीलर में जाते हैं इलेक्ट्रिक ट्रेन में जाते हैं बस में जाते हैं बहुत तकलीफ है वो तब सब तकलीफ या अच्छा है आपका व्हाइट स्कॉलर जॉब है फिर जाते हैं बहुत कम आते हैं सोफेस्टिकेटेड रहते हैं फिर भी घर में औरत का रहना बहुत जरूरी है बच्चों को संभालना पति को संभालना ये सब हम सोचते हैं पैसा से बढ़ के ये बहुत इम्पोर्टेंट है ठीक है आप पढ़े लिखे हैं आपका जो इंटेलिजेंस है वो यूज होना चाहिए ऐसा आप पूछ सकते हैं आप आध्यात्मिक जीवन में भी ये जो स्पिरिचुअल लाइफ में भी अपना इंटेलिजेंस आप यूज कर सकते हैं आप प्रचार कर सकते हैं पुस्तक आप बहुत कोर्सेस इसी में पढ़ सकते हैं जो पढ़े लिखे लोगों के लिए भी उनके मुताबिक बहुत सारा सर्विसेस डिवोशनल लाइफ में है आप धीरे धीरे उस बाहर का ये जो वर्किंग एटमोस्फियर से बच के बाहर आइए आप देखिए कितना दुनिया बहुत खराब है है ना आप आईटी में जाएंगे तो इतना टेंशन वर्क वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा है है ना और औरत लोगों का नेचर यह है कि उनको बाहर जाके आदमी लोगों को संभालना बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत पॉलिटिक्स चलेगा उधर पीसफुल जाब है ठीक है फिर भी हम लोग एडवाइस नहीं करते ठीक है फिर भी आपको जाना पड़ता है तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है ना भक्ति भी मैनेज करो घर भी मैनेज करो और जाब भी मैनेज करो कुछ कुछ माता जी लोग मैंने देखा वो लोग उधर प्रचार भी कर लेते हैं आई यू हैव टू देन टाइम मैनेजमेंट आपको अच्छा टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा आप अपना हेल्थ भी देखना पड़ेगा ये सब समस्या है तो प्लीज ट्राई टू बैलेंस बैलेंस तब आ, आप थोड़ा हेल्थ भी थोड़ा देखना पड़ेगा अदरवाइज पार्शियल जॉब ले लीजिए आपको जॉब बहुत जरूरी है तो भी यू स्पेंड मोर टाइम इन हाउस लेस टाइम इन वर्क ऐसा कुछ चेंजेस आप लाइए नहीं तो वर्क फ्रॉम होम कीजिए कुछ-कुछ माताजी लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं फिर भी वो थोड़ा अपना करते हुए में रुकावट लाता है तो मैं आई कैन नॉट एडवाइस यू हां स्टॉप वर्क ऐसा भी बोल नहीं सकती हूं क्योंकि आप उसी में है अभी धीरे-धीरे आपको भक्ति का टेस्ट मिल जाएगा तो वो वो कितना भी लाख वो पैसा देगा आपको उसमें इच्छा नहीं रहेगा नहीं नहीं इसके जब आध्यात्मिक जीवन में भागवतम सुनने का भागवतम पढ़ने का भगवत गीता सुनने का और जप करने का रुचि आपको मिल जाएगा तो आप अपने आप छोड़ देंगे अपने आप जब छोड़ देंगे तो आप सोच लीजिए आपका परिवार में इसका ज्यादा फोर्स नहीं है था आप आराम से रहिए ना है ना लेडीज हैव दिस जब हम लोग पढ़ते थे जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी तब मेरे मेरे साथ बाकी बॉयस भी रहते थे वो लोग बोलते थे आपको क्या अच्छा है आराम है शादी करो लाइफ सेटल हो जाएगा ज्यादा सोचने का नहीं है जमाना ऐसा था हमारा जमाना ऐसा ही था थोड़ा पढ़ो ठीक है कैरियर का पीछे इतना नहीं भागे हम लोग फिर भी था मेरा जमाने में भी थर्टी इयर्स बिफोर तब मैं इसके बारे में भी सोचती थी क्यों हम क्यों तकलीफ लेना है घर में रहो अच्छी तरह एंजॉय करो ना तो थ्रू आउट माई लाइफ आई एंजॉयड हाउस वाइफ लाइफ एंजॉयड इन द सेंस पीसफुल गेटिंग अप अर्ली वॉज नॉट अ प्रॉब्लम जल्दी उठना प्रॉब्लम नहीं क्योंकि घर जल्दी मैनेज करके सो सकती थी और आफ्टरनून में भी थोड़ा आराम मिलता था घर का काम करके फिर आराम तो ये सब मैं सो ये भी था एक कारण दूसरा तो भक्ति हमारा गुरुदेव और सब लोग बोले बाहर जाएगी तो बहुत तकलीफ है बहुत तकलीफ है वो सब और इसलिए हमारा इंडियन कल्चर में औरत बाहर जाना ज्यादा एनकरेज नहीं किया जाता था हमारा अभी जमाना बदल गया ये हम बात भी नहीं कर पाएंगे इतना जोर से ऐसा बन, बदल गया क्योंकि लेडीज को कैरियर ओरिएंटेशन में भी लेकर जाते हैं हमारा हमारा इंडियन वैदिक कल्चर बहुत बदल गया बहुत बदल गया तो आप सोचिए आपका कर्तव्य क्या है आपको जिसमें आपको इम्पोर्टेंस देना चाहिए तब आप इसके बारे में आप बहुत ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा तो हम अपना जो भी लेडी गर्ल्स को मैं कल्टीवेट करती हूँ उनको ये समझाती हूँ पति अच्छा मिल जाएगा तो लाइफ सेटल है जो बेसिक नेसेसिटी हमको मिल जाए तो अच्छा उस उतना तक वो पति करता है तो मेरे लिए अच्छा है तो इसमें हम देखते हैं कि जब पति पत्नी दोनों नौकरी में जाते हैं ना उनका घर में बहुत को आधा काम आधा काम से ऊपर भी करना पड़ता है तो देन, he becomes फिर उधर बहुत क्लैश होता है ये सब मैं बहुत रिसर्च करके ही बता रही हूँ और बच्चे तो लेफ्ट आउट है किधर भी क्रिच में जाते डालते हैं बेबी सेंटर में बेबी सेंटर में या किसी के नाना नानी में या दादा दादी का केयर में देना पड़ता है या नहीं तो किसी केयर टेकर को पास देना पड़ेगा ऐसा बहुत प्रॉब्लम्स आता है पर जब मम्मी घर में माँ औरत घर में रहती है तो ये टेंशन ही है बच्चे चिल्ड्रन टेकन केयर वेरी नाइसली हजबेंड ऑल्सो टेकन केयर वेरी नाइसली तो आप सोचिए थैंक यू ओके मनी इज हनी महर अनी से बढ़कर भी अपना गृहस्थ जीवन में पीसफुल बहुत इंपॉर्टेंट है तो ये मेरा जिंदगी में मैंने इधर मेरा भक्त लोगों का सम, ये मायापुर जो है डिवोटी कम्युनिटी है इसमें बहुत मैं तो सिंपल डिग्री मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन इन साइकोलॉजी और बाकी लोग डॉक्टर डॉक्टर हाउसवाइफ एमबीपीएस डॉक्टर पढ़ाई किया एम डी हाउसवाइफ और आई गोल्ड मेडल हाउसवाइफ बहुत लोग ऐसे है क्योंकि उनको है ठीक है इसमें खुशी तो है नेचुरली होम ओरिएंटेड स्वाभाविक सही घर में बच्चा पति पति और रिलेटिव्स इनको ध्यान रखना ये लेडीज का स्वाभाविक है इसलिए वो लोग भक्त जब ये समझते हैं कुछ कैरियर बनने के लिए तैयार नहीं रहते हैं कुछ सेवा करते हैं मंदिर में सेवा करते हैं वो सेफ सेफ है बहुत सेफ है बाहर का दुनिया से बहुत सेफ है इसलिए कुछ और सवाल है किसी को ठीक है हम कुछ कमेंट्स है हरे कृष्ण माता जी बहुत अच्छा लगा है प्रसाद से जैसे कॉन्शियस इफेक्ट मतलब चेंज हो जाता है तब मुझे ये नारद जी का भी स्टोरी याद आया था माता जी जब उन्होंने भागवत उन लोग का उचिष्ट के उनका भी परिवर्तन आके वो तो सबको देने लगा है नारायण तो एक सवाल आया है कि घर में पत्नी भक्ति करती है है ना ऐसा ही पति भक्ति नहीं करते तब क्या करेंगे है तब मैं पहले से ही बोल रही हूँ पति को हम जबरदस्त नहीं कर पाएंगे क्योंकि घर का गुरु कौन है पति है घर का गुरु तो पति है वो भक्ति में नहीं आ रहे तो पत्नी तो उनका गुरु नहीं बन सकती है कुछ भी काम में भले पति गलत रास्ते में है और पत्नी को उनको सुधारना का जाब नहीं लेना चाहिए तब पत्नी को सिर्फ अपना भक्ति करना चाहिए बोल हाँ, नम्रता से बोलना चाहिए आप कृपा करके मुझे छोड़िए ये सब मैं आपको सेवा में चैंटिंग चा, करूंगी प्रसाद खाने की इच्छा है घर में सुबह शाम को आरती करती हूँ आपका सेवा जरूर करूंगी इतना नम्र आप बनेंगे तो आपको सहायता मिलेगा वो सोचेगा आ, इतना तो नम्रता से वो विनती करती है तुम करो तुम करो मुझे फोर्स मत करना ऐसा पहले आएगा धीरे 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 पत्नी को मंदिर लेकर जाने के लिए वो पति बाइक में या कार में लेकर जाएगा छोड़ेगा आएगा 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 आएगा, आएगा। धीरे 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 देख देख के अच्छा तुम करते हो ऐसा बहुत पति लोगों को मैंने देखा तो फिर ऐसा घर में मैं कभी गई एक अच्छा बहुत बड़ा भक्त है वो माता जी उनका पति को इतना बक्ती नहीं है फिर भी जब हम लोग गए हम लोग लक्ष्मी में आ रही हूँ ये खत्म करके हम मैं गई उसके घर में तो वो हमें दिखा रहा है मैं भी भक्त हूँ करके उनको पता है भक्ति करना अच्छा है मारवो वो नहीं करता तो हम नए हैं ना तो पत्नी को तो मालूम है ये भक्त नहीं है करके पर हम लोग नए है ना बोलता है माता जी मैंने एक कविता लिखा है आप सुनिए आपको पसंद आएगा तो मैं भी अप्रिशिएट किया ठीक है कविता भगवान के बारे में लिखे थे वो मैं बोला ठीक है आप अच्छा लिखे हैं तो उनको तो दिखाना है मैं मैं भी भगता हूँ करके हमें पता है भक्त कौन है भक्त नहीं है कौन है करके तो धीरे 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 वो आएंगे क्योंकि पत्नी भक्त है मगर वो कभी पति को बोलना नहीं चाहिए आप प्रभुपाद का बुक्स दे दीजिए ये मेल लीगो होता है वो पति के द्वारा सुनेंगे तो अच्छा नहीं लगता उनको इसको हम क्यों तोड़ेंगे नहीं वो हम पति का गुरु नहीं बनेंगे कभी भी हमेशा नम्र से रहेंगे प्रभुपाद का बुक देंगे वो पढ़ेंगे प्रसाद खिलाएंगे उसमें धीरे धीरे वो आएंगे आपका भक्ति का शक्ति से बदल जय प्रचार कैसे करते हैं सुनिए प्रभुपाद प्रचार कैसे किए वो शुद्ध भक्त थे इसलिए जो एकदम बेकार लोग भी भक्त बने उनका वचन सुन के तो हम भी अपना भक्ति को बहुत स्ट्रांग बनेंगे तो पति और परिवार वाले देखे वो लोग भी भक्ति में आएंगे एटलीस्ट आपका भक्ति तो रोकेंगे नहीं ठीक है ठीक है। अभी एक सवाल आया है पीरियड्स में कैसे भक्ति करेंगे जब करने के लिए कोई नियम नहीं है आप जब हमेशा कर सकते हैं पीरियड्स में भी करना ही है पीरियड्स में अल्टीमेटली uh, क्या रूल्स है वो सब मैं बताती हूं मगर अपना घर में कोई नहीं है आपको साथ में तो एडजस्टमेंट आप करके रहिए तो पीरियड्स के टाइम पर इसलिए हम लोग बोलते हैं लेडीज जॉब में नहीं जाना चाहिए क्योंकि जब पीरियड्स का टाइम ही लेडीज का अपना डेली ड्यूटी से थ्री डेज ऑफ है इसलिए हमारा पुराने जमाने में उसके लिए अलग कमरा रहता था और तीन दिन सिर्फ की आराम करेगी यही था बस दूसरा कुछ नहीं वो पीरियड पीरियड्स भी इतना तकलीफ देने वाला चीज है इसलिए नेचुरली दे शुड टेक रेस्ट इतना है कि पानी में भी कुछ काम नहीं करना चाहिए क्योंकि हेल्थ अफेक्ट हो जाएगा आराम से एक, एक कमरे में जाके बैठ जाने का खाना है पीना है महार खाना कौन बनाएंगे ये सवाल उठता है घर में सासू माँ नहीं है या घर में ज्वाइंट फैमिली तो है नहीं अभी या डिवोटी सर्कल में रहते नहीं है तो हमारे लिए प्रसाद देने वाला कोई नहीं है आपको ही खाना बनाना पड़ता है तो आपको बनाना है ऑफरिंग पति को करना पड़ेगा ना इसलिए हम लोग ज्यादातर वर्शिप घर में नहीं करते अभी कोई नहीं है घर में पति को खाना बनाने के लिए टाइम नहीं है ऐसा वातावरण है तब हम अम, हमको ही बनाना पड़ेगा दूसरा रास्ता नहीं है ज्यादातर उस टाइम रिलैक्स करना ही फर्स्ट फर्स्ट एडवाइस है नहीं कर पाएंगे हम मॉडर्न लाइफ है कोई नहीं है हमारे पास तो आप कर, कुकिंग करो महर ऑफरिंग डेटी वर्शिप वो सब नहीं कर पाएंगे आप लड़की है क्या जैसा है तो फिर आप मम्मी बनाएगी आप मत बनाओ ठीक है हा? ये पीरियड्स में आप जब कर सकते हैं मंदिर नहीं जा सकते है, सेवा नहीं करने का और ज्यादा दर हमें दूसरे लोग नहीं देखना चाहिए ठीक है दूसरे लोगों का चेहरा क्योंकि जब पीरियड्स का लेडीज का पीरियड्स हुआ तो किसी जो भी देखते हैं उनको नेगेटिव इनफैक्ट होता है उनका आरा बिगड़ जाता है तो इसलिए स्पेशली मंदिर जाने से ब्रह्मचारी सन्यासी सब लोग रहते हैं उनको नेगेटिव असर हो जाता है इसलिए हम लोग बाहर जाना ही मना है पीरियड्स में अब जितना होगा उतना घर में रह के जब करो और आराम करो यही है आ, आपका क्या सवाल है हरे कृष्ण माता जी माय क्वेश्चन इज रिलेटेड मेडिसिन माता जी जब हमने ऑनियन गार्लिक और मीट इंटॉक्सिकेशन सब छोड़ दिया तो मेडिसिन में भी होता है ना माता जी ड्रग्स रिलेटेड और होम्योपैथी या आयु होम्योपैथी एलोपैथी जो भी है उसमें थोड़ा अल्कोहल मिक्स होता है माता जी हाउ डू वी टेक सच मेडिसिंस मेडिसिंस ले सकते हैं उसमें इंटॉक्सिकेशन मिक्स रहा तो भी नहीं, नहीं। चलेगा माता जी मेडिसिंस उसका एडिक्शन नहीं बनना चाहिए ज्यादातर मेरा सजेशन है कि मेडिसिन के बिना अच्छी तरह लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं यस yes, बट आयुर्वेद के भी जो भी होते होम्योपैथी के जो उसमें जो लिटिल लिटिल बहुत ज्यादा वो आ, नहीं है अल्कोहल होम्योपैथी मेडिसिन में है बहुत माइनूट पॉइंट में आप ले सकते okay, माता जी थैंक यू सो मच हरे कृष्ण इधर एक सवाल मैंने पढ़ा था एक मिनट किसी ने कुछ लिखा है चैट बॉक्स में हाउ डू वी कोप विद स्ट्रेस एंड बैलेंस अवर लाइफ टाइम मैनेजमेंट है बस As a student, एस ए स्टूडेंट हाउ with stress and balance our life? We don't really get time to practice spiritual things. How do we manage bhakti and studies? Health अच्छा रखे चैंटिंग ही कर सकते हैं सेवा ज्यादा नहीं कर पाएंगे एक मिनट भी वेस्ट नहीं करना चाहिए ऐसा आप लाइफ को रखिए बहुत ज्यादा फ्रेंड्स ज्यादा पार्टी इधर उधर अननेसेरी थिंग्स जो भी है सब कट करना पड़ेगा कोई आप सक्सेसफुल स्टूडेंट एंड वक्त बन बन सकते हैं नहीं तो आपको बहुत स्ट्रेस तो हो ही जाएगा आप बहुत सारा एंटरटेनमेंट्स uh, आउटिंग वो सब कम करिए शॉपिंग से लेके वक्त लोग शॉपिंग भी कम करते हैं हम लोग जाते नहीं है जो आता है वही मेरा तो शॉपिंग ही नहीं है जो मिलता है वही है तो क्योंकि टाइम मैनेजमेंट टाइम नहीं है हम मायापुर में रहते हैं हम हमारा इधर शॉपिंग है या पिलकड़ी में शॉपिंग है हम नहीं कर पाएंगे तो मेरा रिलेटिव और मेरा फैमिली मेम्बर्स जो भी खरीद के देते हैं वही मैं पहन लेती हूँ वही करती हूँ अलग सा शॉपिंग ब्यूटी पार्लर वो सब नहीं है बिल्कुल नहीं है तो स्टूडेंट है आप ऐसा कोर्स ले लीजिए जो आप इजीली पढ़ सकते हैं आप माला थोड़ा इम्बेलेंस तो थो होगा इसलिए हम लोग कहते हैं ज्यादातर आप लाइटली जो इंटेंस नहीं होगा ना कुछ कुछ कैरियर तो बहुत इंटेंस रहता है उतना मत लीजिए कुछ कुछ लोग सिर्फ भक्ति को इम्पोर्टेंस देते हैं मेरे जिंदगी में मैंने ऐसा एक माता जी को देखा उन्होंने एम डी किया एम बी बी एस के बाद एम डी घर में बहुत फोर्स था पर उनको तो भक्ति करना था तब हम लोग लंदन में रहते थे मेरे पति और मैं और बच्चा तो माता जी पूरा दिन मंदिर में रहती थी पूरा दिन सेवा पूरा दिन मंदिर मंदिर में ही उसका जीवन चलता था मार एग्जाम कैसे वो बोलती थी कि माता जी मैं थोड़ा ही पढ़ाई किया मार अच्छा मार्क्स आया मार ये ऐसा मैं प्रमोट नहीं कर पाऊंगी आप पढ़ेंगे नहीं फिर अच्छी तरह लिख लेंगे भगवान कृपा करेगा ऐसा नहीं बोल सकती उसका लक ऐसा था वेरी इंटेलिजेंट है इसलिए उन्होंने बैलेंस कर पाई तो कुछ लोग थोड़ा ही पढ़ेंगे और अच्छा लिख लेते हैं और माइंड भक्ति करने से माइंड बहुत शार्प बन जाता है ये मैंने देखा अपना एक्सपीरियंस में भक्ति करने से माइंड शार्प बन जाता है और उसमें वो लोग अच्छा पढ़ भी सकते हैं तो आप भक्ति करो hmm. ओके वन मोर न्यू मैसेज हरे कृष्णा कुछ और सवाल है कुछ किसी का और सवाल है क्या कृष्णा माता जी हरे कृष्णा कृष्ण माता जी माता जी आ, मैं पूछ रहा कि हस्बैंड का फैमिली में आ, वो लोग अभी भी बुटी नहीं हुआ मतलब नॉन वेज कभी कभी खाता है तो उधर जाके कैसे रहना चाहिए हमको उनको प्यार से समझाना चाहिए जैसे आप बोलिए मैं अभी चार नियम पालन करती हूँ भगवान को रोज भोग बनाती हूँ इसलिए मेरे लिए अलग बर्तन आप रखिए आप खाइए अब उनको कुछ मत बोलिए सास ससुर पति इन लोगों को कुछ आप हु मत दीजिए अपना बोलिए मैं अलग करना मीन्स अलग बर्तन में जनरली साउथ इंडिया में या इंडियन कल्चर में नॉन वेज के लिए अलग बर्तन वेज के लिए अलग बर्तन रहता है तो आप अच्छी तरह प्यार से समझाइए आप मेरे लिए अलग बर्तन में मैं खाना बनाऊ आप पूछ के नम्रता से आप अलग बनाइए okay, अभी जब वक्त बनने के बाद बहुत अंबल रहना पड़ेगा नहीं तो अपना काम नहीं चलेगा वो लोग फोर्स करेंगे वो डांटेंगे अब टांट मारेंगे ये सब चलेगा इसलिए आप नम्रता से प्यार से मैं ऐसा मन्नत कर दिया आप प्लीज कृपा करिए करके आप प्यार से बोलिए और आप आपके लिए एटलीस्ट मेरे लिए मैं रसम राइस बनाऊंगी या दही राइस का लूंगी अलग इतना सा आप ठीक है मैं इतना सा का लूंगी आप सब कर, कुछ भी खा लीजिए ऐसा बोल के आप कर सकते हैं ओके okay, माता जी जब मैं जाऊंगी उसी टाइम मैं बना के भोग लगा के खा सकती हूँ बट जब हस्बैंड अकेला जाएगा उनके लिए क्या करना अच्छा है एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन है कि माता जी जब आ, उसी घर में पैसा देगा आ, उसी टाइम मम्मी पापा का तो रिस्पांसिबिलिटी बेटा का होता है वो तो करना ही जरूरी है बट आ, जब आ, उसी पैसा से आ, मतलब नॉन खाएगा तो उसके लिए कुछ पाप मिलेगा व क्या मुझे नहीं पता माता जी इसलिए पूछ रहा हूँ आपका पति उनको सपोर्ट करते हैं फाइनेंशियल सपोर्ट है तो फिर पति भी बगता है आपका पति भी बगता है हाँ भक्त है तो फिर पति को सोचना चाहिए पति तो जब एक परिवार में एक लड़का बड़ा हो जाता है तो वो उस घर का मालिक है है नहीं। नहीं। लड़का बड़ा लड़का पहला लड़का जैसे मेरे घर में मेरा बड़ा भाई मेरा घर का नेता है लीडर तो उसका बात हम सब लोग मानते हैं क्योंकि वो अच्छा हमको गाइड करता है लेकर जाता है फाइनेंशियली भी सपोर्ट करता है ये सब करता है तो इस घर का फाइनेंशियल सपोर्टर है वो लीडर है तो आपका पति को ये सब सोचना चाहिए हम जो पैसा देंगे जरूर नॉनवेज खाएंगे नॉनवेज खाएंगे तो पाप मिलेगा ही तो पति को समझाना चाहिए आप धीरे से अपना पति का बोलिए हम लोग पैसा देते हैं आप मांस मछली इसमें मत खाना और उसमें क्या क्या पाप रिलेटेड है वो सब समझाइए कैसा भी हमारा नॉन वेज रिलेटिव है हमारे लिए कुछ तो पाप कर्म मिलता ही है मेरा भी रिलेटिव बहुत लोग नॉन वेज है और उनको तो हम लोग पैसा देते हैं क्योंकि कुछ कर्तव्य होता है गहना देना पड़ता है पैसा देना पड़ता है हमको ये विचार तो है महर ये रिलेटिव है और माँ बाप तो इम्पोर्टेंट रिलेटिव है mm. इसलिए हमको ये सब करना ही पड़ता है ये क्या बोलते हैं दुनिया का कर्तव्य है करना पड़ता है वो भले नहीं सुधरेंगे तो भी करना पड़ता है दूसरा रास्ता नहीं है अभी उधर झगड़ा तो नहीं कर पाएंगे वो माँ बाप है ये शरीर का जन्म दिया है तो mm. आपका पति को अच्छी तरह समझा सकते आप मत करिए आप मत mm. करिए पति वो समझा सकते हैं तो समझा के उनको सुधारने के लिए बोलिए नहीं तो आप सहन कीजिए ठीक है इधर झगड़ा करने से फायदा नहीं है वो, वो लोगों को ऐसा करना चाहिए कि आप लोगों को बच्चे लोग है ये लोग छोटे लोग है ये लोग वेजिटेरियन बन गए हम लोग इतना बुरा बन के नॉन वेज खाते हैं करके ये विचार अपने आप आना चाहिए आप नहीं देने का आप नहीं। नहीं बता बहु बनने के बाद आप कुछ एडवाइसेस मत कीजिए अपने आप को बचाइए अभी तो अपने आप को बचाना पड़ेगा फिर धीरे धीरे भगवान का इंतजार से वो लोग बदलेंगे जरूर बदलेंगे आपके मन पे भगवान इनके हृदय में आप भी है आप ही है सबका हृदय में है आप भगवान इनका हृदय में परिवर्तन आना चाहिए आप कृपा करिए करके आप प्रार्थना कीजिए परिवर्तन आएगा परिवर्तन नहीं आएगा तो वो लोग अपने आप दूर जाएंगे वो भी आप देखेंगे क्योंकि <laughs> जब आपका भक्ति बढ़ेगा बढ़ेगा ऐसा नॉनवेज काले वाले अपने आप छोड़ देंगे मेरा कुछ कुछ रिलेटिव है क्लोज रिलेटिव है मुझे किसी में नहीं मिलाते है. आएंगे तो भी प्रॉब्लम है इनको क्या खिलाएंगे ये नहीं खाएंगे ऐसा है उनको पता है इसलिए मुझे इतना ज्यादा मिलाते नहीं है और मुझे उसमें भी दुख नहीं है ये लोग नहीं मिलाते हैं, उसमें दुख नहीं है मैं प्यार से रहती हूँ गिफ्ट देती हूँ तो कर्तव्य है इसलिए मैं प्यार से ही रहती झगड़ा नहीं करती हूं। पहले समझाया सबको कोई भी मेरा जिंदगी में जो भी कनेक्टेड है सबको मैंने अटलीस्ट वेली वेजिटेरियन बनने के लिए तो कोशिश किया नहीं बन रहे तो फिर वो मेरे हाथ में नहीं है प्रभुपात का बुक्स दिया प्रसादम खिलाया बहुत समझाया कुछ लोग ही डिवोटी बने कुछ लोग तो क्लोज रिलेटिव जैसे मेरा भाई है उनको मैं धमकी देती थी आप वेजिटेरियन नहीं बनेंगे तुम्हारे घर में मैं पैर नहीं रखूंगी ऐसा बना के फिर एटलीस्ट घर में वो लोग वेजिटेरियन रहेंगे ऐसा जिधर हक है उधर मैं धमकी देती हूँ जिधर मर्यादा का रिलेटिव रिलेशन रखना है सास ससुर से केयरफुल रहना पड़ेगा बहुत इंपॉर्टेंट है उनसे नम्रता से काम करना पड़ेगा अपना जैसे कुछ प्यार बहुत है उनको हम प्यार से ऐसे धमकी दे के फिर प्यार से कंट्रोल कर सकते हैं वो भी कुछ कुछ हक तक जा सकते हैं ज्यादा नहीं जा सकते इसका इस जमाने में ये सोच समझ के आप कीजिए ओके okay, माता जी हस्बैंड जी, uh, जब जाएगा uh, वो लोग तो अभी uh, भेज बना के इनको खिलाएगा बट ये ऑफर करके खाएगा तो कुछ पाप तो नहीं होगा ना नहीं नहीं भेज बना के खिलाते हैं तो फिर ऑफर करके खाने के लिए बोलिए हाँ, तो हाँ, दीक्षा ले लेंगे अब दीक्षा ले लेंगे तब वो सब लोगों को अपना कंट्रोल में आना ही पड़ेगा जब हाँ, आप दीक्षा ले लेंगे तो भगवान भी उसका शक्ति आपको देगा हम्म हाँ माता जी मेरी दीक्षा हो गई 2007 में हो गई हो गई आ, अभी हाँ मैं श्रीमद जयपति के स्वामी गुरु महाराज से हुआ एक्चुअली हाँ, मैं मायापुर से हूँ माता जी अभी इधर आया मेरी शादी हुआ हाँ नहीं तो फिर आपको थोड़ा आपका पति को समझाना पड़ेगा फैमिली मेंबर्स को हाँ माता जी कोशिश करूंगी हरे कृष्णा माता जी थैंक यू बहुत अच्छा बोला हरे कृष्णा करंट चला गया तो मैं हरे कृष्णा ठीक है हम क्लास आ, कुछ और अगले हफ्ते देखेंगे मांचा कल्परि से कृपा सिम दिब्य पतिता नम पावन्यो वैष्णव्यो नमो नम है थैंक यू वेरी मच हरे कृष्णा क्लास बंद करती हूँ